बच्चों, क्या हाल चाल है? आपने देख लिया है कि नीट का रिजल्ट आ गया है और इस बार कुछ परिणाम चौंकाने वाले हैं कि ऐसा नीट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कुछ ऐसे ऐसे रीजन आए हैं जो आप और हम नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये नीट का रिजल्ट इस टाइप से क्यों आया है। पहले कुछ बातें जान लेते हैं जो नीट के इतिहास, नीट में पहली बार हुई है। इससे पहले ऐसी बातें कभी नीट में नहीं हुई है। पहली बात क्या है? देखो, जो हमने आपके सामने कट ऑफ का स्कोर बनाया था, अब ये कट ऑफ तो उससे कई गुना हाई है। इतनी ज़्यादा कट ऑफ आज तक कभी भी नहीं गई है। बच्चे बोल रहे हैं कि जो बच्चे रीजन बता रहे हैं कि सर ये रीजन तो पेपर सिंपल है। अरे भाई, 2020 का पेपर तो इससे भी सिंपल था। तब तो इतने मार्क्स, 720 मार्क्स किसी बच्चे के नहीं आए थे। बस दो तीन बच्चों के 720 720 लेके आए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले वे बातें चेक करेंगे जो नीट में पहली बार हुई है। पहली बात, 720 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 67 स्टूडेंट के 720 में से 720 मार्क्स आए। पहला। दूसरा, 718 नंबर और 719 नंबर भी बच्चों के आए हैं। मैं आपसे बात पता करता हूं, एक बच्चे ने मान लो 179 क्वेश्चन सोल्व किए। कितने? 179 क्वेश्चन सोल्व किए, तो उसके नंबर हमारे पास निकल कर आ जाएंगे 716। उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, यहां पर हमारे पास उसने क्या करा, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो उसके नंबर बैठेंगे 716। क्लियर है? अब इसी बच्चे ने, किसी बच्चे ने 180 क्वेश्चन सोल्व किए, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया है। एक क्वेश्चन उसका क्या हो गया है? गलत हो गया है। अब 720 में से -5 करेंगे तो नंबर बैठते हैं कितने? 715। या तो किसी बच्चे के 716 नंबर होंगे या 715 होंगे, लेकिन 718 और 719 का कोई भी लॉजिक हमारे पास नहीं है। अभी दूसरी बात, एक बच्चे के नंबर 650 नंबर आए नीट में। ओ भाई, उसकी रैंक देखो आप, 30,000 रैंक है। कितनी है? 30,000 रैंक। 650 नंबर पर रैंक कितनी है? 30,000 रैंक है। मतलब उस बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, 650 नंबर लाने के बावजूद भी। अब ये 718, 719 और 750 नंबर पर कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली गई, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, ठीक है? अब आप देखना, मेरे पास जो मैंने इंटरनेट से लिए हैं, कुछ बच्चों के रोल नंबर हैं। वो रोल नंबर आपके पास, देखो इनकी ये डिजिट सेम है सब बच्चों की, बस लास्ट के नंबर चेंज है, 168 33 403 ये, और इन सब बच्चों के नंबर 720 है। अब इन रोल नंबर से हम क्या एक्सेप्ट कर सकते, क्या सोच सकते हैं? तो हम सोच सकते हैं, देखो आप सब बच्चे, यहाँ पर, यहाँ 68 है, फिर 78 आ गया है, फिर 98 आ गया है। ऐसे हमारे पास यहां पर आपका 33 है, फिर 37 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी बच्चे एक सेंटर के अंदर हो सकते हैं या आसपास सेंटर में हो सकते हैं, ठीक है, या एक ही रूम के अंदर हो सकते हैं। अब सर, इन इन सब बच्चों के 720 नंबर आए हैं, और सब बच्चे मोस्टली कहाँ के हैं? ये सब बच्चे हरियाणा के हैं, और हरियाणा में एक स्थान है झज्जर सेंटर, वहां से सब बच्चों के ये इतने मार्क्स आए हैं। अब पढ़ाई के मामले में बात की जाए तो हरियाणा इतना अच्छा नहीं होता है, कुछ स्टेट होते हैं जो पढ़ाई के मामले में अव्वल होते हैं, जैसे जहाँ पर बेस्ट कोचिंग होती है, जैसे राजस्थान है या आपका केरल साइड में है, तो वहाँ पर तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, लेकिन कभी हरियाणा में इतने नंबर किसी बच्चों के कभी नहीं आए हैं। एक पहला फैक्ट चेक करो कि इन सब बच्चों के 720 मार्क्स हैं जो आसपास के सेंटर में हो सकते हैं या नियर बाय सेंटर में होंगे, ठीक है? अब इसकी वजह क्या रही?
वजह हम आपको बताते हैं, वजह इसकी रियल में कौन सी वजह है। ठीक है, ओके आ जाओ। देखो होता क्या है, एनटीए के पास जो पेपर होता है उसके दो सेट होते हैं, उसके एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये दो सेट होते हैं। अब इन दो सेट में से कौन सा ओपन करना है वो डिसाइड करते हैं एनटीए वाले। अब मिस्टेक देखो, हर बार ये मिस्टेक करते हैं एनटीए वाले, पता नहीं कौन से हमेशा किस में ये हमेशा बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि करना क्या है। पिछले साल मिस्टेक की थी हिंदी इंग्लिश की, इस बार उन्होंने फिर वही गड़बड़ कर दी। इस बार उन्होंने क्या किया आप समझो कि एक सेंट, ये हमारे पास मान लो झज्जर का सेंटर है, ठीक है भाई, यहाँ पर ये बच्चे बैठते हैं, ये बच्चे बैठते हैं, हम सब बताते हैं कि इस बार जो सेट आपका अप्लाई हुआ, इस बार वो पी क्यू आर एस सब बच्चों को मिला है। कौन सा मिला है इस बार? पी क्यू आर एस सब बच्चों को मिला है। अब हुआ क्या, इस बच्चे के पास ये सेट भी आ गया है, एल भी आ गया और पी भी आ गया है, दोनों सेट बच्चे के पास आ गए हैं। एक सेंटर में क्या हुआ है, दोनों सेट बांट दिए गए, एल एम एन पी क्यू आर एस दोनों आ गए, मतलब एक बच्चा उसके पास दोनों सेट है। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया है, यार कौन सा सेट ओपन करे, ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ है कि आपने कोई भी एक सेट लिया है उसमें से अब किसे ओपन करे, क्या करें। जब ये बात देखो, एक बात समझो, ये केवल यहाँ पर नहीं हुआ है कि केवल झज्जर में हुआ है, ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में और भी बहुत जगह ऐसे ही हुआ है। अब बच्चे कन्फ्यूज हैं और इसी कन्फ्यूजन में क्या होता है, इसी कन्फ्यूजन में होते होते इनकी 15 मिनट निकल जाती है। अब क्या हुआ, जब बात चारों तरफ फैल गई, यहाँ पर दो दो सेट पट गए हैं, तो 15 मिनट इनकी वेस्ट हो गई, इन बच्चों की। 15 मिनट के बाद क्या हुआ, एनटीए वालों ने इनसे एक सेट पेपर का वापस ले लिया है, ठीक है। अब उसके बाद एक सेट इन्होंने अपना पेपर का वापस ले लिया है। अब इनकी जो 15 मिनट वेस्ट हुई, अब उसके बाद हमारे पास टोटल मिनट होती है 180, और 180 में 180 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं पेपर में। अब इनकी 15 मिनट वेस्ट हुई, 15 मिनट वेस्ट होने के पश्चात ये बच्चे परेशान हो गए और इन्होंने एनटीए से शिकायत की। अब आप ध्यान से समझना, उसके बाद क्या हुआ है, एनटीए वालों ने अपनी साइट पर डाल दिया है, उन्होंने अपनी साइट पर एक ये डाल दिया है कि जिन बच्चों की 15 मिनट वेस्ट हुई है हम उन्हें ग्रेस मार्क्स देंगे। कितने मार्क्स देंगे, मतलब पहले को उन्होंने डिसाइड किया है एनटीए वाले, हाँ भाई 15 मिनट पेपर लेट था और जहाँ जहाँ पेपर लेट था हम उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स देंगे। अब देखो मतलब इतने बड़े एग्जाम में भी ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं। अबे जो बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, परेशान है, भर मेहनत कर रहा है, उन अब जो बच्चा नहीं पढ़ता है उन्हें आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि जिनका टाइम वेस्ट हुआ है हम उन्हें ग्रेस मार्क्स देंगे। अब समझो आप, ग्रेस मार्क्स का उन्होंने अब तक आधार नहीं बताया है कि ग्रेस मार्क्स का आधार क्या है। अब जैसे 15 मिनट के हिसाब से हकर हम अपने हिसाब से अपना सोचे, 15 मिनट में मैं सोचते एनटीए वाले के बच्चे ने 15 क्वेश्चन सोल्व किए, कितने क्वेश्चन सोल्व किए, 15 क्वेश्चन सोल्व किए। अब 15 के हिसाब से एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलते हैं, तो 15 चौके 60, 60 मार्क्स का उन्होंने ग्रेस दे दिया है, मतलब हमारी सोच है ये, अब 60 मार्क्स बच्चे को मिलेंगे। जैसे हमारे पास एक बच्चा कोई एक्स है, सेंटर जर्जर है, उस बच्चे के मार्क्स आते हैं 660, कितने मार्क्स आए 660 प्लस 60 का उसके पास क्या हो जाएगा, ग्रेस हो जाएगा, तो बताओ कुल कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। सर 720 मार्क्स बैठ रहे हैं। तो एक रीजन ये है जो इतनी हाई कट ऑफ गई है, पेपर आसान नहीं था, मैं फिर बोलता हूँ पेपर 2020 का आसान था, उसके बाद 2020 के बाद पेपर आसान नहीं है। अब कोई बच्चा हमारे पास वाई है और इसके नंबर आए हैं, जो झज्जर सेंटर है, जो महाराष्ट्र में है या जो राजस्थान में है, इसके नंबर मान लो आप
59 नंबर आए हैं, अब आप इसको 60 नंबर का ग्रेस दो तो कितने बन जाएंगे, ये आपके नंबर बनेंगे 719। अब ये इस लॉजिक से तो 719 नंबर बच्चे के आ रहे हैं। मानो हमारे पास कोई बच्चा जेड है, उसके नंबर बैठते हैं 658, 60 नंबर का ग्रेस दो, उसके नंबर आ जाएंगे 718। क्लियर है? तो इस लॉजिक से हमारे पास 719 और 718 नंबर आ रहे हैं। जैसे हमारे पास महाराष्ट्र में अंधेरी एक स्थान है, वहां पर मान लो किसी बच्चे के नंबर आए हैं 400, ठीक है, उसको ग्रेस मिलता है कितना, 60 नंबर का ग्रेस मिला है, तो नंबर हो जाएंगे 460। उसी सेंटर पर किसी बच्चे के नंबर आते हैं 560, 60 नंबर का ग्रेस, तो आपके नंबर हो जाएंगे, उस बच्चे के नंबर हो जाएंगे 620। आप समझ रहे हैं ना कि इतना हाई स्कोर बच्चों का कैसे आ रहा है? ये एक रीजन हो सकता है, हालांकि अभी ये उसने एंटी ने डिसाइड नहीं किया कि किस बेस पे नंबर दिए हैं, लेकिन इसी हिसाब से जोड़कर बच्चों के इतने नंबर आ सकते हैं। क्लियर? मतलब बताओ इतने बड़े एग्जाम में ऐसे नंबर दिया जैसे आपकी जैसे कॉलेजों के अंदर प्रैक्टिकल होते हैं कि चलो भाई 60 नंबर प्रैक्टिकल इसके दे दो, 60 नंबर इसे दो, 60 नंबर इसे दो प्रैक्टिकल के, अरे प्रैक्टिकल थोड़ी है यार, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। अब ये क्या समझे एनटीए वाले कि 100 नंबर बांट दो, अब एक एक नंबर पर 1000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है बच्चों में, ये एकदम गलत है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको इतने बड़े एग्जाम में बोनस मार्क्स मिल रहे हैं या ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। अगर ग्रेस मार्क्स मिले तो सब बच्चों को मिले, ये थोड़े क्या आपने एक अंदाजा लगाया, हाँ भाई 60-50 मिनट, अच्छा एक बात माने कोई बच्चा अगर किसी बच्चे के पास 25 मिनट लेट है तो उसको आप 25 क्वेश्चन सही होंगे तो 25 × 100 नंबर आप बढ़ा देंगे, इतने बड़े एग्जाम में आप 100 नंबर बढ़ा रहे हैं। अब ये समझ नहीं आता कि कैसे करते हैं, अरे यार जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है भाई मेडिकल सीट पाने के लिए, और जो बच्चा जिसके मान लो 510 नंबर है बिना ग्रेस के, उसको सीट नहीं मिल रही है, और एक दूसरा बच्चा है जिस जो दूसरे स्टेट में है, उसको आपने ग्रेस दिया है 60 नंबर का, उसके 580 हो गए, उसके नंबर 570 है, तो क्या फ़ायदा होगा ऐसे एग्जाम होगा? तो बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत करो एनटीए वालों, इसके मेरे हिसाब से सब बच्चों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए कि इतने ऐसे ऐसे चौंकाने वाले परिणाम आपके सामने आ गए हैं कि बच्चे की 650 नंबर है, रैंक चलेगी 30,000, समझ रहे हैं ना? तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को आवाज़ उठानी चाहिए और सब बच्चों के लिए हम और आप सब मिलकर दोबारा रीटेस्ट की मांग करनी चाहिए, जो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अब ऐसा कभी नहीं हुआ कि अभी आपकी ओमार आई उसके तुरंत 2 दिन बाद आप रिजल्ट डाल दिया है, अभी रिजल्ट में बोलते हैं थोड़ा टाइम लगता है, अभी एग्ज़ाम हुआ तुरंत उन्होंने रिजल्ट इधर दे दिया है, भाई ये नाइंसाफ़ी है। इसमें हम और आप सब मिलकर सपोर्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाना चाहिए और वहाँ से दोबारा स्पष्ट तरीके से दोबारा नीट होना चाहिए। ओके।